हमने कॉर्नर में इमेज लगानी है और यहाँ पे सेंटर में एक इमेज लगानी है। और इसमें हमने क्या किया है कि एक टेबल टैग लिया है। टेबल टैग के थ्रू हमने क्या किया है कि एक टी आर बनाया है। एक टी आर में 3 TD लिया है। फर्स्ट TD में इमेज लगाया गया है। फिर आपका गया। सेकंड TD आपका ब्लैंक है, इसमें लिखना है तो आप लिख दीजिए, ब्लैंक छोड़ना है तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर आपका थर्ड यहाँ पे हमने TD में इमेज लगाया है। फिर से सेकंड वाले TR के अंदर ये ब्लैंक छोड़ दिया। थर्ड वाले यहाँ पे सेकंड रो का सेकंड TD में इमेज लगा दिया। देन यहाँ पे फिर से थर्ड वाले TD ब्लैंक छोड़ दिया। और अगेन थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे इमेज दिया और इसके बाद फिर से इसको ब्लैंक कर दिया यहाँ से भी। इसमें एक्चुअली में हम लोग ये केवल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम टेबल टैग का यूज करके किसी भी कंटेंट को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। अगर हमें उसको मैनेज करना है तो कैसे मैनेज करेंगे? चलिए, किसमें मतलब तो ग्राफिक्स में होता है जैसे हमें इसमें देखिए कैमरा वैमरा बनाने ग्राफिक्स के का लिए। कोई लेना देना नहीं है, हम लोग HTML में बात कर रहे हैं। तो HTML में कैसे हम कंटेंट को अरेंज करेंगे? अगर हमें कॉर्नर में, हमारे पास क्राइटेरिया यही है, हमें करना क्या है, चारों कॉर्नर पे इमेज लगानी है और सेंटर में एक इमेज लगानी है। तो उस केसेस में हमें अब टेबल की विड्थ हमें 100% देनी पड़ेगी। हाइट आपको अपने स्क्रीन के हिसाब से देना पड़ेगा। हाइट आपको अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। एक्चुअली में ये हम लोग इसमें सिंपल सा है कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टेबल का यूज हम रो कॉलम में डाटा को अरेंज करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम और भी चीजों को रो कॉलम के थ्रू हम मैनेज करेंगे तो आसानी से बिना CSS के कर सकते हैं। अब इसी चीज को हमने यहाँ से किया। आप मेन्यू भी बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो, जैसे होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस। अगर आप बना रहे हो तो आप एक टेबल ले लीजिए और एक TR ले लीजिए, उस TR में मल्टीपल TD ले लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर आपको देखना है तो देखिए, जैसे एक VS कोड मैं ओपन कर ले रहा हूँ, एक सिंपल फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे और उसमें आप देखो टेबल को हम मल्टीपल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये तो हमारा हुआ। यहाँ पे देखिए VS कोड में ऑलरेडी इसमें हमने मेंशन कर रखा है कि एक रो लिया है और इसमें एक TD में पहली इमेज हो गई और फिर उसके बाद सेकंड TH दिया है सेंटर में लाने के लिए, ताकि हमारा वो कंटेंट सेकंड साइड में ना चिपके। चिप साइड में ना आए। और इसको थोड़ा सा बड़े में आए इसलिए हेडिंग H1 यूज कर लिया है। अगर हमें बड़े में लिखना है तो हमने H1 का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद इसी के साथ में हमने क्या किया है, थर्ड TH का इस्तेमाल किया है, इसमें इमेज डाल दिया है। और देन उसी के बाद फिर सेकेंड रो में पहला बड़े में लिखना है तो हमने H1 यूज कर लिया है। फिर सेकेंड TH में हमने फिर से इमेज लगा दिया, थर्ड TH यूज किया। अगेन हमने यहाँ से क्या किया, थर्ड TR में पहले इमेज लगा दिया, जैसे हमने फर्स्ट वाले रो में किया था वैसे सेम एज इट इज आपका लास्ट वाले रो में रहेगा। बाकी आपको ये कंटेंट बड़े में लिखना है इसलिए H1 लगाया गया है, बाकी आपको छोटे में लिखना है तो आप H1 हटा दीजिए। देखिए जैसे लास्ट वाले रो में हमने H1 को हटा दिया और यहाँ पे इसको सेव किया, एक में मैं H1 को हटा दिया। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसको रन करके अगर हम देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि लास्ट वाले रो का कंटेंट बहुत छोटे में आएगा। जैसे ये बड़े में है, सेंटर में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको TH यूज किया है, इसलिए सेंटर में आ रहा है। अगर हम यहाँ से TD अगर हम इसको कर देते हैं तो ये हमारा सेंटर में नहीं साइड में आएगा, आएगा सही। क्योंकि हमें टेबल टैग की प्रॉपर्टी में हमें पता है कि TH जो है वो क्या करता है, सेंटर में करने का काम करेगा TH। TD हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट का काम करता है। तो यहाँ पे टेबल के थ्रू भी हम कंटेंट को अरेंज करना चाहेंगे तो अरेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से, आप बड़े में कंटेंट लिखना है तो आप कहीं पे भी हेडिंग लगा सकते हो, कहीं पे आप TH लगा सकते हो, कहीं पे आप TD लगा सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि हम TH को फर्स्ट वाले रो में ही लगाते हैं। टेबल में अगर आपको अरेंजमेंट करना है तो कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। इसी में अगर आपको दूसरा मेन्यू वाला भी अगर आपको याद हो
तो मेन्यू के लिए भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे मेन्यू डॉट HTML हमने यहाँ से बनाया, इसी में हमने यहाँ से शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क प्रेस किया और यहाँ से ये हमारा बॉयलर प्लेट रेडी हो गया। इसमें हमने टेबल टैग हमने यूज किया, टेबल के अंदर हमने TR यूज किया, TR के अंदर फिर से TD यहाँ पे लगाएंगे, ये TD के अंदर हमें फिर से एंकर टैग लगाना है लिंक करने के लिए। अब इसमें कितने हमें डालने हैं, जैसे 5 TD लगाना है, 3 TD लगाना है तो आप मल्टीप्लाई करके 5 लगाना है तो 5, और फिर इसके अंदर हमें एंकर टैग लगाना है तो हमें एंकर टैग यहाँ से इंटर कर दिया, तो ये हर TD के अंदर एंकर टैग लगा करके दे देगा। तो इसमें हमने यहाँ पे क्या करना है, होम यूज किया, अबाउट यूज किया, सर्विसेस यूज किया, कॉन्टेक्ट यूज किया, गैलरी यूज किया। तो ये टेबल का काम क्या है, अरेंज करना। अगर हमें कंटेंट को क्या करना है, अरेंज करके देखना है, तो हम टेबल टैग का यूज कर सकते हैं। अभी ये बहुत पास पास में है तो इसको थोड़ा सा दूर करना है, तो यहाँ से टेबल को क्या करेंगे, विड्थ दे देंगे। विड्थ हमने यहाँ से 100% कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दूर में हो जाएगा। इसका अगर आपको समझना है तो बॉर्डर भी लगा करके यूज कर सकते हो। बॉर्डर हमने दे दिया 2 पिक्सल दे दिया, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। देखिए अभी हमने TD यूज किया इसलिए लेफ्ट साइड में आ रहा है। अगर यही चीज हमने क्या किया, TH कर देंगे तो ये हमारा सेंटर में आएगा और इसके साथ साथ ये थोड़ा सा हाईलाइटेड भी हो जाएगा, बोल्ड भी हो जाएगा। तो हमने यहाँ से TH यूज कर लिया, तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो मर्जी आपकी, आप मेन्यू बनाते टाइम आप इसका यूज कर रहे हो, जैसे ये तब यूज किया जाता है टेबल का। मेनली हमारा रो कॉलम में डाटा को अगर हमें प्लेस करना है तो हम आसानी से इसके थ्रू डाटा को अरेंज कर सकते हैं टेबल टैग के थ्रू। तो हमें अगर बहुत ही ज़्यादा CSS वगैरह नहीं आती है या फिर हमें अरेंज करना नहीं आता है तो हम टेबल टैग की हेल्प से बहुत ही आसानी से उसको मैनेज कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर आपको देना है तो आप बैकग्राउंड कलर भी दे करके आप इसको मेन्यू को कर सकते हो। जैसे स्टाइल लगाते थे बैकग्राउंड कलर, यहाँ से हमने रेड देना है, लाइट ब्लू देना है, ग्रे देना है, वो मर्जी आपकी है, वो आप इसमें सेव किया और यहाँ से जा करके कुछ इस तरीके से कर दिया। इसमें आपको बॉर्डर नहीं देना है तो आप बॉर्डर हटा दीजिए। जब आपको लगे कि हमारा प्रोसेस सही हो गया है, हमारे अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया है, तो यहाँ से आप क्या करिए, हटा दीजिए इसको। इसमें यहाँ से भी अगर हमें चाहिए तो टेबल्स में, तो ये चीज़ें इसकी हाइट थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, जैसे विड्थ है इसका हाइट दे दीजिए। हाइट में भी यहाँ से हम टेबल की हाइट हम आसानी से दे सकते हैं, 100 पिक्सल, 200 पिक्सल, जो भी हमें हाइट देना है वो हम यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आप टेबल का यूज करके कंटेंट को अरेंज कर सकते हो। तो ये रहा कुछ हमारा टेबल का यूज, कहाँ पे हम टेबल को यूज कर पाएंगे। एक तो रो कॉलम में हम लोग बहुत कॉमनली देखते हैं कि डाटा को किसी एम्प्लॉई का रिकॉर्ड रखना है, किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है, तो हम रो कॉलम का फॉर्मेट यूज करके करते हैं, बट नॉर्मली हम यहाँ पे भी चाहें तो यूज कर सकते हैं।